नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। 3 बज गए हैं, मतलब अब वक्त है उन सवालों का जिनका उत्तर प्रदेश मांगता है, उन लोगों से जो जवाबदेही रखते हैं इसकी। और अगर आज के परिदृश्य की बात कर ले, हम आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। लॉकडाउन होने से क्या संक्रमण में कमी आई है? क्योंकि अगर पिछले 4 दिन पीछे आप जाकर देखते हैं, संक्रमण की दर को देखते हैं, तो ये धीरे धीरे नीचे आ रही है। कैसे समझिए, 11 मई 2021 मतलब पिछले घंटे का जो डाटा जारी हुआ, उसमें संक्रमण के 20,463 नए मामले देखने को मिले। वहीं और 10 मई की आप बात करेंगे तो ये आंकड़ा रहा 21,331। 9 मई की बात करते हैं तो 23,333 नए मरीज मिले थे। ऐसे ही और पीछे आप जाते हैं, 8 मई की बात करते हैं तो 26,847 नए मरीज मिले थे। लेकिन कम हो रहे संक्रमण के बीच तीसरी लहर को रोकने की चुनौती है, जो भीषण तबाही मचाने को आमादा है, जिसका तमाम डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट इशारा भी कर रहे हैं। शहरों में भले ही संक्रमण कम हुआ हो, लेकिन गांवों की सुनने वाला कोई नहीं है, ये सच है। संक्रमण वहां लगातार बढ़ रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आज लगभग आधे यूपी में कई जगह शराब की दुकानें भी खुली तो लोगों की लंबी लंबी लाइन लग गई, मानो कि बस इसी का इंतजार था। इसी कड़ी में चलिए 4 तस्वीरें देखिए, हालात क्या हैं। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के शराब की दुकानों पर उमड़ पड़े हैं। क्यों भाई, 6 बजे तक, कहीं कहीं 7 बजे तक दुकानें खुली हैं। अपने घर वालों की जान बचाओ, लाइन में लगो, अपनी बारी का इंतजार करो। जैसे इतना इंतजार किया, थोड़ा और इंतजार कर लेते। शराब की बोतल के साथ कोरोना ले जाने की जिद में तमाम लोग भूल बैठे सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क उतार दिया, कहां डॉक्टर्स वकालत कर रहे हैं दो दो मास्क पहनिए। ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह सुपर स्प्रेडर ना बन जाए, इस बात का खास ख्याल रखिए। तो लगातार दबाव बनाया जा रहा था प्रशासन के ऊपर। खुद शराब विक्रेता कह रहे थे कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लोगों को भी कहीं ब्लैक में तो कहीं जहरीली शराब। ऐसी खबरें लगातार आती हैं जो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि सही जगह से अगर इन्हें शराब नहीं मिली है, उसी का नतीजा ये खबरें हैं। तो चलिए कोरोना की इस विभीषिका को समझने की कोशिश करते हैं, जहां अब आंकड़े कम हो रहे हैं लेकिन चुनौती गांव की ओर ज्यादा है। और इसी बीच क्या लोगों को आंकड़ों से ये राहत मिल जाए तो वो ऐसी तस्वीरें बनाते नजर आए जैसे कि हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे, यानी कि भीड़ और कहीं ना कहीं अंदर से खौफ कम कोरोना का। जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव प्रेसिडेंट IMA लखनऊ से हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है रमा जी। प्रोफेसर AP टिक्कू हैं, वरिष्ठ चिकित्सक KGMU से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। रमा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आंकड़े कम दिख रहे हैं लेकिन उसका असर ऐसा लगता है कि प्रशासन पे कम, लोगों पे ज्यादा दिख रहा है। डर कम हो रहा है क्या? अगर ऐसे निकलेंगे तो आंकड़े भले कम हो लेकिन तीसरी लहर का आमंत्रण और पहले तो नहीं दे देंगे हम? आंकड़े तो कम इसलिए हैं कि जो लोग अर्बन एरियाज में हैं उन्हीं को तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जी, लेकिन जी। जो सुदूर गांव में बसे हुए लोग हैं और जहां कोरोना का संक्रमण हो रहा है, वहां तक तो कोई खबर ना जा रही है ना आ रही है, तो इसलिए ये संख्या तो ज्यादा है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन की वजह से कुछ गिरावट आना शुरू हुआ है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि लोगों में अवेयरनेस जेनरेट करना बहुत जरूरी है, उन्हें एडुकेट करना बहुत जरूरी है कि कोरोना आखिर है क्या, कैसे फैलता है, और इससे जो तमाम लोग संक्रमित होने के बाद कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कितने ICU में भर्ती हैं, बेड्स नहीं हैं, दवाइयां घट गई हैं, चिकित्सकों की संख्या दिन पर दिन कम हो रही है क्योंकि वो भी बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। तो इन चीजों को आम जनता तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि दे आर नॉट अवेयर। अभी पिछले साल तक तो कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये सब अफवाह है, ये षड्यंत्र है, जाने क्या क्या सुनने को मिलता रहा। हम लोगों को भी प्रैक्टिस में हम जिसको सलाह दे रहे हैं कि आप ये टेस्ट कराइए, आप आइसोलेशन में रहिए, ऐसे भी करीब 25-30% ऐसे लोग रहे जो इसको एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार है। इसी तरह से लोग जो लापरवाही कर रहे हैं,
आखिर क्या उनको कितनी सजा दी जाएगी और कौन सा लॉ एंड ऑर्डर उनके ऊपर एप्लीकेबल। वाकई प्रोफेसर एपी सर, ये बताइए कि व्यवस्थाओं को भी अनलिमिटेड तक तो नहीं स्ट्रेच कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज को तो इतना नहीं, लेकिन हमें लगता है क्या अवेयरनेस के साथ लोगों के अंदर पेंडेमिक फटीग आ गया है, वो थक गए हैं, और अगर ये इस तरीके से बाहर निकलते रहे, सारा जो दारोमदार है वो बोझ है, वो फिर से मेडिकल टीम के ऊपर आता है। नहीं, ये तो देखिए जो स्थिति आज की है, हम तो ये कहते हैं कि अगर इस स्थिति में जो आज स्थिति है कोरोना की, उसमें भी अगर अवेयरनेस नहीं है और उसमें भी अगर लोग इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर कब देंगे। जब ये वेव आया था तब तो ज़रूर ये था कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। एक साल से इसका प्रचार हो रहा है, हर लोग को, सबको पता है कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, कई बार बताया जा चुका है, सरकार हर जगह एडवर्टाइज करती है, हर तरह से इसको संभव तरीके से बताया गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं सुबह मेडिकल कॉलेज जाता हूँ तो मैं इस बार मैंने देखा, मुझे इस बात का थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि पब्लिक ने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी समझी है, क्योंकि अब जो लॉकडाउन पार्शियल हो रहे हैं इसमें पुलिस हमको सड़क पे नहीं नज़र आती जैसे पिछली बार नज़र आई थी और डंडे चल रहे थे और फोर्स लग रहा था। इस बार पुलिस को ऐसा नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है, पब्लिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय एंड लार्ज समझ रही है और वो हालात देख के खुद ही कंट्रोल कर रही है। देखिए कई ट्रेडर्स ने, कई दुकानदारों ने, कई मार्केट्स ने खुद ही अपना लॉकडाउन कर दिया, खुद ही बंद कर दिया देख के कि साफ स्थिति ऐसी है और प्रोटोकॉल फॉलो हो नहीं रहा है इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, अवेयरनेस है, लेकिन कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो इसको लापरवाही बरत रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं लेकिन कुछ लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने जो जिस जगह का जिक्र किया वो लखनऊ है, लखनऊ में समझदारी वाली तस्वीरें बहुत शुरू से आ रही हैं। वहां पर जो व्यापारी संगठन रहा उसने हजरतगंज जैसी जगह पे ही पहले से ही दुकानें बंद करा के अपनी अपनी जान बचाने की अपील कर दी थी लोगों से, लेकिन जो बाकी रूरल एरिया है, जो बाकी परिदृश्य है, कहीं जनाजा निकाला जा रहा है, कहीं शराब की दुकानों के सामने उमड़े पड़े हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। रमा जी, आपको क्या लगता है अगर ये क्रम चलता रहा तो फिर कैसे टूटेगी कोरोना की चेन, और जो ग्राफ जिसे हम स्टीप होने की उम्मीद कर रहे हैं वो कैसे होगा? ये बहुत चिंता का विषय है। जब तक लोग नहीं समझेंगे कि उन्हें सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, उनको अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने मित्रों को, सबको बचाना है, क्योंकि एक व्यक्ति 400 लोगों को संक्रमित कर देता है, ये आंकड़ा पिछले साल का ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो कैरियर बना हुआ है कोरोना का, तो वो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। इसलिए ये समझदारी तो हर व्यक्ति में आना जरूरी है। जैसी स्थिति हम लोग देख रहे हैं वो लखनऊ या बड़े शहरों में करीब 50-60% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सारा सहयोग किया है सरकार से भी, डॉक्टर्स से भी, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है कि कोरोना कितनी घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। और आप याद करिए कि पोलियो को कंट्रोल करने में, पोलियो को दुनिया से ख़त्म करने में, हमारे देश से ख़त्म करने में कितने साल लग गए। इसी तरह से अगर कोरोना के बारे में हम लोग समझेंगे नहीं, अपने आप को व्यवस्थित नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर कब बीमारी कंट्रोल होगी ये कहना तो असंभव है। क्योंकि अगर 10 व्यक्ति भी एक शहर में संक्रमित हुए तो वो तो सैकड़ों लोगों को फैला सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि पुलिस के डर से और किसी लॉ एंड ऑर्डर के तहत कंट्रोल हो सकता है। ये कंट्रोल तभी होगा जब हर व्यक्ति समझेगा कि मुझे इन प्रोटोकॉल्स का, मुझे दूरी मेंटेन करनी है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, सैनिटाइजर्स का उपयोग करना है, भीड़ में नहीं जाना है, अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलना है, वैक्सीनेशन जरूर जरूर लगवाना है। इस तरह की जो प्रोटोकॉल बनाया गया है इसको हर व्यक्ति को पालन करना ही होगा। बिल्कुल तो प्रोफेसर अभी हमारे चैनल पे जरिए ही ऐसी तमाम खबरें आनी शुरू हो गई हैं, जैसे आरआर टीम गांव की तरफ पहुंच रही है रैपिड वाली, कई जगह गांव वालों से उनकी झड़प हो रही है, कई जगह टीम में खामी देखने को मिल रही है। ऐसे में ग्रामीण परिदृश्य में किस तरीके से अवेयरनेस की बात करें, चाहे मेडिकल टीम जो पहुंच रही है
उनके लिए ये इतनी बड़ी चुनौती है, क्या कोई सुझाव दे पाएंगे आप? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो अभी हालात हैं उसमें मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं और लॉकडाउन हैं और सबको प्रोटोकॉल में भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मूवमेंट कम से कम रखना है। इसमें सोशल मीडिया का और आपके न्यूज चैनल्स का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ शहरों में इसीलिए घटा है और इसीलिए अवेयरनेस बढ़ी है क्योंकि यहाँ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। सोशल मीडिया में यंगस्टर्स अब बहुत आगे आ गए हैं और जो यंगस्टर्स हमारे हैं वो सोशल मीडिया पे इसका बहुत प्रचार करते हैं, मैंने देखा है, और जिससे कि लेकिन गांव में सोशल मीडिया इतना नहीं है सर, देखिए ना। और तो और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या गांव में कोई जो बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं है वो जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है इंटरनेट पे? में तो सोशल मीडिया नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए दिक्कत है क्योंकि वहाँ इंटरनेट भी कई जगह नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं है। इसके गांव में जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट टाइप की है, उसको टैकल डिफरेंट ढंग से सरकार को करना पड़ेगा। वहाँ पर आदमी, वहाँ का प्रचार का तरीका बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो शहरों में फर्क पड़ गया, गाँव में नहीं पड़ा है इसका फर्क। तो गाँव वालों को बताना जरूरी है, जो कि लोकल, वहाँ के जो बेसिक जो लोकल लेवल पे लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो बाकी लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको इसको किसी तरह से प्रचार करना ही पड़ेगा, चाहे वो बाय लाउड स्पीकर करें, चाहे वो लीफलेट से करें, चाहे वो जैसे घर घर तो जाया नहीं जा सकता आज के माहौल में, नहीं बिल्कुल, उसको रिस्ट्रिक्ट आप कैसे प्रचार करना है इसके लिए बहुत जरूरी है। मैं तो एक मेरा अपना एक ये ख्याल जरूर है कि हमारे यहाँ जब हम लोग छोटे थे तो एक NCC होता था, नेशनल कैडेट कोर होता था, और नेशनल क्रेडिट कोर आज भी है। हमें नेशनल क्रेडिट कोर को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए यंगस्टर्स को, और उनके थ्रू इससे बहुत मदद मिल सकती है। वो एक बॉडी इसीलिए बनी थी इंडिया में इंडिपेंडेंस के, एक जो सिविल दिक्कतें आए उसको टैकल करने में उनकी मदद ली जाए। जो अमूमन 2 तारीख को श्रमदान देने के लिए गांव का रुख करती थी कुदाल लेके और सफाई वफाई अभियान के लिए, अब आप ये कहना चाहते हैं कि उनको इन्वॉल्व किया जाए एजुकेट करने में गाँव को? जी, एजुकेट करने में और प्रचार करने में, और उनको जो भी मदद गांव में हो सकती है उसके लिए NCC के कैडेट्स का यूज और उनको यूटिलाइज करना, उनकी मैन पावर को, इससे क्योंकि अभी मसला खत्म होने वाला नहीं है, आपको मालूम है ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, धीरे धीरे कम होगा, पीक हो गई है और धीरे धीरे पीक नीचे जाती है जैसे सारी दुनिया में गई है, लेकिन कोई ताज्जुब नहीं है और सब लोग को मालूम है कि हो सकता है थर्ड वेव भी आ जाए बाद में कुछ महीनों बाद। तो इसके लिए तो हम लोग को सब चीज़ तैयार करनी पड़ेगी, पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसमें जितना मैन पावर हम लोग सिविलियंस का इन्वॉल्व कर सकते हैं उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। अब रमा श्रीवास्तव डॉक्टर आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि मैं मेरे ही अपने गांव की बात करती हूँ तो कई जो लोग प्रधान कैंडिडेट हैं जो जीते भी हैं उनके घर में या उनसे कोई ना कोई वो कोरोना पॉजिटिव हैं, वो खुद भी परेशान हैं। ऐसे में लोगों की मदद का गांव में क्या जरिया हो सकता है? क्या आप लोगों की टीम जो आती है वो भी फीडबैक देती होगी, क्योंकि अब तो गांव की तरफ रुख किया जा रहा है, टीमों को भेजा जा रहा है, वो भी अपनी चुनौतियां बताती होंगी? जी हाँ, मेरे 2 सुझाव हैं। एक तो हर गांव में आशा बहुएं या कुछ पैरामेडिकल वर्कर्स डिप्यूटेड होते हैं ऑलरेडी, उनसे उन लोगों को सहायता लेनी चाहिए, अपनी बीमारी छुपाना नहीं है। साथ में जो युवा वर्ग है गांव का, जैसे शादी ब्याह में कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा का पूरा गांव सेलिब्रेट करता है, तो मुसीबत के क्षणों में भी सबको एकजुट होकर जो यंगस्टर्स हैं, टीनेज के लड़के लड़कियां, उनको घर घर में, अगर 500 गांव का घर है, घर के गांव है, तो वहाँ कई ग्रुप्स बनाकर वहाँ जाकर उनको घर घर में ये पूछना चाहिए कि कोई संक्रमित तो नहीं है, किसी को बुखार हो रहा है या नहीं, जुकाम हो रहा है नहीं, डायरिया तो नहीं हो रहा है, मीन्स जो कोरोना के लक्षण हैं अगर कोई व्यक्ति वैसा है। आइसोलेशन की तो जगह गांव में मुश्किल से होगी, नहीं के बराबर होगी, लेकिन फिर भी जो वो दवाइयाँ ले सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर जो PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, CHC हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, उनको पहुँचे, और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके तहत ये गांव आते हैं, जैसे तहसील है, गांव के प्रधान है, चेन तो पूरी होती है, तो इन लोगों के सहयोग से दवाइयाँ बंटवाई जाए, और अगर घर घर में नहीं बढ़ सकता तो कम से कम PHC पे आकर के तो कोई ले जा सकता है, कोई मदद कर सकता है। बात तो ये है, लेकिन ये जानकारी और जागरूकता बहुत कम है। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, हम आपसे और भी सुझाव लेना चाहेंगे ताकि वो जो टीम, मेडिकल टीम जमीन पर उतर रही है, उसकी भी चुनौतियों का पता लगे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा भी मिल पाए उनकी सहयोग से।
वक्त एक ब्रेक का है, हमारी ये चर्चा आगे भी जारी है, देखते रहिए। तो ब्रेक के बाद फिर से हम चर्चा कर रहे हैं, जहां जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भले आंकड़े नीचे आ रहे हैं, लेकिन जैसी तस्वीरें पूरे प्रदेश से देखने को मिल रही हैं, लोग मास्क के बिना लाइन में लग रहे हैं, चाहे शराब की दुकानें हो या फिर कई मौके लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों की भीड़ उमड़ने का सीधा सीधा दबाव आता है तमाम मेडिकल फैसिलिटीज पे, जिससे दो चार होना पड़ता है तमाम मेडिकल स्टाफ को। और इसीलिए चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हैं और प्रोफेसर एपी टिक्कू हैं। डॉक्टर रमा, आपसे चर्चा कर ही रहे थे गांव के बारे में, और प्रोफेसर आप भी बताइए कि अब पूरे प्रदेश का लोड कहीं ना कहीं KGMU और लखनऊ में ही आता है। कोई भी मामला बिगड़ता है तो लोग फौरन रुक करते हैं कि लखनऊ जाना है। ऐसे में अगर आपने नोटिस किया है कि गाँव से आने वाले मामले बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, अब जो पेरिफेरी है लखनऊ की, वहाँ से मरीजों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है, और शहर में जो मरीज़ हैं वो धीरे धीरे घट भी रहे हैं। ये जो पहली वेव आई थी, ये इस वेव में ये देखा गया था कि ये वेव ने गांव में बिल्कुल भी अपना कोच भी असर नहीं दिखाया था, और गांव बिल्कुल सेफ थे पिछली बार जी। तो इस बार जब ये वेव आई तो लोगों ने शायद इसको एडमिनिस्ट्रेशन से इतना इंस्पिरेशन नहीं हुआ, या का उन्होंने शहर पर ज़्यादा फोकस रखा, उनको ये नहीं शायद इस बात का सोचा गया कि ये बात इस बार शायद गांव में फैल जाएगी, तो वो अब गांव में फैल गया है और बहुत तेज़ी से गांव में फैल गया है। तो गांव में तो अब सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो प्रचार करनी ज़रूरी है कि उनको ये तो अब बताना ही है, उनको अवेयर करना ही है। शहर वाले तो अवेयर हो गए, गाँव वालों को अवेयर करना ही है कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क जो है दो चीज़ों से प्रिवेंशन हो सकता है, और वैक्सीन लगानी ज़रूरी है अपनी जान बचाने के लिए, और आगे इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन ही इसका इलाज है और वैक्सीन ही इसका तरीका है। अब मुझे ये नहीं इसका अभी पता है कि वैक्सीन गांव में किस स्तर से लगनी शुरू हुई है या नहीं है, लेकिन ज़रूर होगी, क्योंकि अब वो बगैर वैक्सीन के ये अल्टीमेटली इस पर विजय नहीं पाई जा सकती है इस कंडीशन में। ये तो अभी सेकेंड फेज आया है, अब पता नहीं कब थर्ड फेज आ जाएगा। दुनिया में कई जगह थर्ड फेज आया हुआ है, तो वैक्सीन ही काम करेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का प्रोसीजर और प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही है। शहर वाले कर रहे हैं, अब किसी तरह से हम लोग को अवेयर गांव वालों को करना है कि कैसे तक ये बात पहुंचा दी जाए, उसको सीरियसली वो ले लें और अपने उनकी जान ना बने। डॉक्टर आप देखिए, गांव में वैसे घर बहुत दूर दूर होते हैं, खेत खलियान होते हैं, वेंटिलेशन का उतना इशू नहीं होता है। हाँ ये सही बात है, वेंटिलेशन का इशू नहीं है वहाँ, कोई बंद कमरा में एसी नहीं चल रहा, ना ऐसा हवा की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छी चीज़ है जो कि गांव वालों को मिल रही है नेचुरल तरीके से। लेकिन मिलना जुलना, परस्पर एक दूसरे के घर जाना, खाना वगैरह खाना या दुकानों पे जाना, इन चीज़ों को तो अवॉइड करना ही होगा ना। अपने घर में कन्फाइंड रहना के बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, क्योंकि डॉक्टर रमा देखिए, हम बड़े शहरों वालों की तो बड़ी मजबूरी है, एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, दो ही कमरे होते हैं, लेकिन गांव वालों में इस नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक पहलू ये है कि उनके पास बहुत ओपन स्पेस है। अगर वो मास्क पहने, हाथ साफ रखे और एक दूसरे से दूर दूर रह ले, तो बहुत कुछ चीजें आसान हो सकती हैं। बस जरूरत है तो जागरूकता की, जिसकी कोशिश में हम लगातार लगे हैं। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा से जुड़ने के लिए, और इसी के साथ उत्तर मांगे प्रदेश में आज बस इतना ही। कल नए सवालों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान आपकी।